फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आप लोग मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। आज के वीडियो में हम देखेंगे घर के इंग्रेडिएंट से ही स्किन वाइटनिंग फेशियल कैसा करते हैं। करने के 5 स्टेप्स है, क्लेंजिंग, स्टीमिंग, स्क्रबिंग, क्रीम मसाज, फेशियल पैक। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप, क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के लिए हमें चाहिए एक बाउल और एक स्पून और थोड़ा सा रॉ मिल्क। हम एक बाउल में थोड़ा सा मिल्क ले लेंगे, 3 टीस्पून। मैं आपको पूरा फेशियल हाथ पे कर बता रही हूँ। तो फर्स्ट हम करेंगे क्लेंजिंग मिल्क से। मिल्क बहुत ही अच्छा क्लेंजर माना जाता है, इससे जो भी हमारे स्किन में डर्ट है या नहीं तो टैनिंग है तो निकल जाएगी। अगर आपके स्किन पर टैनिंग है तो आप क्या करिए, थोड़ा सा लेमन भी डाल लीजिए इसमें, लेमन जूस, ठीक है। अब क्या करिए, ये लगाकर उसको अच्छे से मसाज करिए, थोड़ा थोड़ा सा मसाज करिए, ठीक है। अब उसके बाद हाथ धो लीजिए और उसको अच्छे से पोंछ लीजिए। स्टेप 2, स्टीमिंग। यहाँ पर स्टीमर से स्टीम कर रही हूँ। आप एक बाउल में हॉट वाटर लेकर उसमें टॉवल भिगाकर भी स्टीम कर सकते हैं। स्टेप 3, एक्सफोलिएटिंग और स्क्रबिंग। स्क्रबिंग करने के लिए हमें चाहिए एक बाउल और एक स्पून, और ये मैंने मसूर दाल और चावल से पाउडर बना लिया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी वो। और हमें थोड़ा रॉ मिल्क चाहिए। पहले हम बाउल में 1 टीस्पून ये पाउडर डाल लेंगे। उसके बाद उसको लिक्विड कंसिस्टेंसी में लाने के लिए रॉ मिल्क डालेंगे 2 टीस्पून। उसको अच्छे से मिला लेंगे, कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी उसको अच्छे से फेस पर लगा लीजिए आप और स्क्रब करना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ पर भी आपका अनइवन स्किन टोन है वहाँ पर ज़्यादा रब करिए, और नोज़ एरिया के पास अच्छा रब करिए, सर्कुलर मोशन पे चीक्स पे रब करिए। उसके बाद उसको 5 मिनट्स के लिए सूखने छोड़ दीजिए। देखिए 5 मिनट्स हो गए हैं। अब उसको हाथ से थोड़ा सा रब करिए और वेट टॉवल से पोंछ दीजिए। स्टेप 4, क्रीम मसाज। क्रीम मसाज पैक बनाने के लिए हमें चाहिए मलाई। आप मलाई की जगह पर दही भी ले सकते हैं और थोड़ा सा हल्दी। अभी मैं वो मलाई में 2 पिंच हल्दी डाल दूंगी और उसके बाद अच्छे से मिला लूंगी। उसको अच्छे से मिलाने के बाद हम उसको फेस पर लगा लेंगे और अच्छे से मसाज करेंगे। जिगजैग मसाज करेंगे हम, फिर उसके बाद कडलिंग मसाज करेंगे, उसके बाद अप एंड डाउन फिंगर्स मसाज करेंगे। मसाज करने से हमें बहुत ही ज़्यादा रेस्ट मिलता है, जो टेंशन लाइन्स है फोरहेड पे मसाज करने से वो दूर हो जाते हैं। तो मसाज एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप, फेशियल पैक। फेशियल पैक बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 2 टीस्पून, रॉ मिल्क 3 to 4 टीस्पून, रोज वाटर 2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, सिर्फ 2 टीस्पून डालेंगे। लास्टली हम डालेंगे 1 पिंच हल्दी। ये हमारा फेशियल पैक रेडी है। अभी मैं यहाँ पर हाथ पर लगाकर बताती हूँ, आप फेस पर सेम करिए और उसको सूखने के लिए 15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट्स के बाद थोड़ा सा पानी लेकर हाथ में उसको रब कीजिए। अच्छे से रब करने के बाद उसको धो लीजिए। एंड एक टॉवल से पैड ड्राई कर लीजिए।
ये हो गया है हमारा फेशियल। देखिए कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, लाइफ रिजल्ट दिख रहे हैं। फेशियल करने के बाद हमें हमारा फेस मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम पहले क्या कर लेंगे, जो हमारे फेस पे हल्दी का स्टेन आया है उसको टोनर से निकाल देंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मैं यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ टोनर की जगह पर। अब उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगा देंगे एंड यू आर रेडी टू गो। ये देखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये फेशियल वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।